उपभोक्ता यानी आम नागरिक की सेहत को ध्यान में रखते हुए वर्षों से बात चल रही है जैविक खेती की, लेकिन हकीकत यह है कि वर्षों से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान होने के बावजूद आज भी कीटनाशक और रासायनिक खाद वाली सब्जियां और खाद्यान्न ही बाजार में अधिक मिलते हैं। इस स्थिति की वजह क्या है और कैसे इस स्थिति में सुधार लाया जाए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता संगठन कट्स से जुड़े दीपक सक्सेना और कट्स के कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारिक, आप दोनों का स्वागत है। मेरा आपसे दीपक जी पहला सवाल यह है कि जैविक खेती की बात सालों से चल रही है, फिर भी जैविक खेती से पैदा होने वाली सब्जी और खाद्यान्न आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, मतलब वो महंगे बहुत होते हैं तो वो उपलब्ध नहीं है। इसको इस जो दूरी है या इसमें जो लागत है इसमें, उसको कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जैसा कि उपभोक्ता कानून में चार छह अधिकार प्रतिपादित है, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, छह हमारे कानून में अधिकार है। उसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उसमें दो अधिकार और हैं सम्मिलित, जिसमें कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और मूलभूत सुविधाओं का अधिकार। तो इस प्रकार से आठ अधिकार होते हैं। 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वच्छ पर्यावरण अधिकार के अंतर्गत ही सस्टेनेबल कंजम्पशन यानी कि स्थायी उपभोग के अधिकार को पारित किया और उसको मान्यता दी, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो जैविक खेती की बात करते हैं हमारे देश में, राजस्थान में, राजस्थान के बाहर में, तो एक अधिकार के रूप में किस प्रकार से जैविक खेती को अपनाया जा सकता है उपभोक्ता के द्वारा, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखते हैं। अब रह गई बात आपकी, तो आज देखते हैं कि जो उपभोक्ता से तो वो बहुत दूर है ना अभी। जी नहीं, आप देखेंगे कि जैविक खेती का प्रचार प्रसार पिछले कुछ अरसों में काफी बड़ा है, चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। आज से हम 4-5 साल पहले की स्थिति देखते हैं तो लोग जानते नहीं थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन आज बच्चा बच्चा भी जानता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। उसको कहीं से खरीद के लाता भी, हमारे घर के बच्चे भी अगर खरीद के लाते भी हैं तो बड़े शौक से दिखाते हैं कि ये देखिए ऑर्गेनिक फूड है ये। नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल सब्जियां, ऑर्गेनिक फल जिनकी हम बात कर रहे हैं जी, वो आसानी से मिलते कहाँ हैं जी? उसका उसका रीजन ये है सर कि जबकि आपने कहा कि ये उपभोक्ता का अधिकार है, तो अधिकार तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, ये दूर अधिकार अभी जो हमारी पेस्टिसाइड्स वाली जो ये केमिकल खेती है, इसका जोर इतना ज्यादा है, किसानों के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव है कि उस प्रभाव से किसानों को निकालना बहुत टेढ़ा काम है और समय लगेगा और सालों लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एनजीओस और कई व्यक्ति इस पे काम कर रहे हैं, किसान लोग इसमें काम कर रहे हैं और साथ में सरकार भी अपने प्रयास कर रही है।